फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है, आप देख रहे हैं वार की टेक न्यूज़। और आज मैं बात करूंगा MWC कॉन्फ्रेंस की। आपको बताऊंगा ऐसे कौन से टॉप 5 मोबाइल हैं जो कि MWC कॉन्फ्रेंस में जो है लॉन्च हो सकते हैं, और लॉन्च तकरीबन कंफर्म है उनका लॉन्च होना MWC कॉन्फ्रेंस में। और ऐसे कौन से मोबाइल हैं जो कि मे बी पॉसिबल है कि लॉन्च हो जाएं। तो सबसे पहले बात करता हूं सैमसंग की। तो सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस जो है वो लॉन्च हो सकता है, लॉन्च तकरीबन होगा MWC कॉन्फ्रेंस में। और सैमसंग ने जो है टीज़र भी लॉन्च किया, जिसमें वो लोग जो है स्लो मोशन दिखा रहे हैं कि उनके कैमरे का स्लो मोशन जो है, जो एक्सपीरिया का भी ट्रेडमार्क है, एक्सपीरिया एग्जैक्ट प्रीमियम का, तो वैसा जो है कुछ हमें S9 में देखने को मिलेगा। लो लाइट जो है कैप्चरिंग बहुत अच्छी होगी, और जो है आपको इमेजेस मिल जाएंगे वीडियो में। तो मेरे ख्याल में यार S9 में कुछ ये लोग नया नहीं कर रहे हैं, वही सब कुछ है, कैमरा बेहतर कर देंगे बस। और इसका लुक भी पर्सनली कहूँ तो बहुत S8 जैसा ही है तकरीबन। और सुना है कि ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं है, बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो आई थिंक कुछ नया नहीं है। आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सैमसंग से कि ये सैमसंग जो है कुछ ज़्यादा नया करेगा, लेकिन अगर इसका कैमरा बहुत भी ज़्यादा ऑसम होगा तो आई थिंक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है S9 के लिए, क्योंकि S8 भी काफ़ी अच्छा था लुक में भी, और चलने में भी, और एवरीथिंग में बहुत अच्छा था। और यहाँ पर अगर कैमरा ये लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं जैसे कि उन्होंने टीज़र में बताया है, तो आई थिंक बहुत अच्छी चॉइस होगी सैमसंग यूज़र के लिए ख़रीदने के लिए। अब सेकेंड नंबर पर बात करते हैं हम नोकिया की। तो नोकिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन जो है लॉन्च कर सकता है MWC कॉन्फ्रेंस में। हम लोग एक्सपेक्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कन्फर्मेशन यही है कि नोकिया 7 प्लस और नोकिया 1 और नोकिया 4 जो है वो लॉन्च हो सकता है, और हो सकता है कि नोकिया 10 भी लॉन्च हो जाए। तो ये कुछ र्यूमर्स हैं, लेकिन कन्फर्मेशन यही है कि नोकिया 7 प्लस और नोकिया 1 जो है वो तो लॉन्च होने ही होने, और नोकिया 4 भी जो है वो लॉन्च हो सकता है MWC कॉन्फ्रेंस में। तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो ये है नोकिया 7 प्लस को लेकर है, इसमें 18:9 रेशो का डिस्प्ले है, और इसमें जो है आपको स्नैपड्रैगन का 660 का प्रोसेसर मिल जाएगा, ऑक्टोकोर प्रोसेसर है, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये देखना है कि पाकिस्तान इंडिया में फ़ोन कब लॉन्च होता है, क्योंकि नोकिया जो है काफ़ी लेट कर देता है फ़ोन लॉन्च करने में। इतने में जो है पूरी मार्केट जो है वो तकरीबन जो है वो सेल आउट हो चुकी होती है, मतलब सारे फ़ोन जो हैं वो कुछ नया कर रहे होते हैं, तो नोकिया जो है वो पुराने पे आता है। तो आई थिंक इनको जो है ये सोचना चाहिए कि ये मिडिल ईस्ट में जो है जल्दी से जल्द मोबाइल लॉन्च करें। अब बात करता हूँ मैं दूसरे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर की। तो यहाँ पर LG जो है, LG का G6 जो है वो लॉन्च हो सकता है, G7 जो है वो लॉन्च हो सकता है। और LG ने वैसे तो रिपोर्ट्स में कंफर्म ये बात कर दिया है कि मुश्किल है कि वो MWC कॉन्फ्रेंस में जो है G7 को लॉन्च करें, लेकिन होप्स हो कि LG G7 जो है, क्या पता कि MWC कॉन्फ्रेंस में ही लॉन्च हो जाए या उसके एक महीने बाद लॉन्च हो। लेकिन LG कुछ ना कुछ नया ज़रूर करता है अपने स्मार्टफोन के साथ। LG G5 को देख लें, G4 को देख लें, भले से G5 G4 फेलियर थे एक तरह के, लेकिन G6 जो है वो काफ़ी अच्छा गया है इनका। एंड देन G6 में एक और प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर जो है स्नैपड्रैगन का पुराना प्रोसेसर था, लेकिन अब G7 में देखते हैं लोग क्या करते हैं ऐसा, जिसमें जो है आपको कुछ नया देखने को मिलता है या कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है। अब बात करता हूँ मैं Xiaomi की। तो Xiaomi जो है Mi 7 जो है वो लॉन्च कर सकता है, और पिक्चर आपके बराबर में यहाँ पर देख सकते हैं आप सारी फ़ोन की पिक्चर कि कुछ ऐसे हो सकते हैं ये फ़ोन। और Mi 7 जो है आप जानते हैं जैसे कि वो होता है फ्लैगशिप किलर। तो यहाँ पर रूमर्स ये कहते हैं कि ये जो है डुअल कैमरा होगा बैक पर, और 18:9 का डिस्प्ले होगा, और जो है स्नैपड्रैगन का 845 का प्रोसेसर होगा, 6GB रैम होगी, 128GB बिल्ट इन होगी, 64GB बिल्ट इन वेरिएंट में भी होगा, 4GB रैम वाला भी होगा। तो यहाँ पर जो है Mi 7 एक ऐसा फ़ोन होगा जो कि फ्लैगशिप किलर के लिए होगा। कैमरा इसका ऐसा नहीं होगा जैसा कि आपको S9 में मिलता है और LG में मिलता है। LG कैमरे काफ़ी अच्छे होते हैं, नोकिया जो है वो काफ़ी अच्छे कैमरे देता है, ऐसा कैमरा नहीं होगा। लेकिन कैमरा यहाँ पर अच्छा होगा, अगर आप इस ज़्यादा हैवी यूज़र हैं तो ये फ़ोन आपके लिए सही होगा, और गुड लुकिंग भी होगा ये फ़ोन। अब बात करते हैं यहाँ पर हम 5वें नंबर पर। तो यहाँ पर अदर स्मार्टफोन मैनुफैक्चर की बात करें तो सबके सब जो है वो कुछ ना कुछ इस ऐसा है कि जैसे मोटरोला है, मोटरोला बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन अब निलोमो मोटरोला जब से साथ हो गए हैं, जब से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये करना क्या चाह रहे हैं, बहुत लेट कर देते हैं हर चीज़ को। दुनिया 18:9 रेशो ले आई है, लेकिन मोटरोला अब तक नहीं लाया, और ये आई थिंक MWC कॉन्फ्रेंस में ही इनका आएगा। MWC कॉन्फ्रेंस में जो है मोटरोला के काफ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा सेट जो है एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग LG मोटरोला G6 और G6 प्लस जो है वो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि वो
18:9 रेशो में आएंगे और वो कंफर्म है, एक्सपेक्टेड क्या कंफर्म है, मोटोरोला ई फाइव और ई फाइव प्लस भी जो है वो तकरीबन कंफर्म है कि MWC कॉन्फ्रेंस में ही डेब्यू करेंगे। और उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान इंडिया में फ़ोन कब आते हैं, इनके मिड रेंज फ़ोन तो पाकिस्तान इंडिया में जल्दी आ जाते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं आते जी सीरीज़, लेकिन ई ई की सीरीज़ जो है इनको पिछले लॉन्च की थी पाकिस्तान में, अब देखते हैं इस बार क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन जो मोटोरोला के मिड रेंज फ़ोन होते हैं उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है उनका कैमरा काफ़ी अच्छा होता है, और आई थिंक कैमरा ही वो पर्टिकुलर रीज़न है जिसकी वजह से आप स्मार्टफोन जो है वो छोड़ते भी और लेते भी हो, क्योंकि कैमरा बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देन बैटरी आती है, क्योंकि बैटरी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन 3000 एंड 3500 mAh बैटरी आई थिंक काफ़ी होती है किसी भी नॉर्मल यूज़र के लिए। तो यहाँ पर कैमरा जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है और स्क्रीन भी दे जो है बहुत डिस्प्ले काफ़ी मायने रखता है। तो यहाँ पर र्यूमर्स यही हैं कि मोटोरोला जी सिक्स और जी सिक्स प्लस में जो है आपको 18:9 रेशो का डिस्प्ले मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर होगा और जो है आपको ड्यूअल कैमरा मिलेगा, ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलेगा बैक पर, और फ्रंट पे जो है आपको 16 MP शूटर मिलेगा जो कि अब तक मोटोरोला में नहीं मिला है, क्योंकि मोटोरोला जो है वो 5 MP ही फ्रंट कैमरा देता है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा होता था, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग सुनने में आ रही है। तो ये थी टॉप 5 मोबाइल्स जो कि लॉन्च होने वाले हैं MWC कॉन्फ्रेंस में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन सब मोबाइल्स के बारे में अलग से वीडियो बना चुका हूँ जो कि लिंक्स में मैंने दी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।